सोशल मीडिया पर आज सुबह से एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, हैशटैग बाबा का ढाबा। ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर। आखिर ये ट्रेंड क्यों कर रहा है आप समझिए। एक वीडियो ट्रेंड हुआ, उसके बाद कैसे 24 घंटे में वो कहानी बदली आप ये देख रहे हैं। जो इस वक्त आप ये ढाबा देख रहे हैं, जो फूड स्टॉल देख रहे हैं, दरअसल ये एक बुजुर्ग दंपति के द्वारा चलाया जाता है और किसी ने इस वीडियो को बनाकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया था, लोगों से यहां जाने की अपील की थी और उसके बाद ये हैशटैग जैसे ही ट्रेंड किया सोशल मीडिया पर, 24 घंटे के भीतर वहां लोगों ने जाना शुरू किया और इस ढाबे से खाना खाना शुरू किया। तो सोशल मीडिया पर ये मैसेज जितनी तेजी से स्प्रेड हुआ, 24 घंटे में इसकी बदली हुई तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर, पहली तस्वीर वो जो वीडियो वायरल हुआ था, जिसे वायरल किया गया सोशल मीडिया पर, लोगों से कहा गया था कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कोशिश करें यहां जाकर इस फूड स्टॉल पर जाने की। तो आप देखिए बाबा का ढाबा दरअसल अब एक मुहिम बन चुका है ये, और ये मुहिम शुरू हुई एक वीडियो के वायरल होने के बाद। ये पूरी रिपोर्ट आप देखिए। ये वीडियो एक बुजुर्ग दंपत्ति का है जो दिल्ली के मालवीय नगर में ढाबा चलाती हैं। लेकिन कोरोना काल में उनके ढाबे पर कोई खाना खाने नहीं आता, जिससे वो काफी दुखी थे। जरा देखिए ये वीडियो। वीडियो में ढाबा चलाने वाले बाबा की आंसू भरी आंखें भी नजर आ रही हैं, जो उनकी मुफलिसी को बयां करती है। बस इसके बाद क्या था, बुजुर्गों का ये रोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही अपलोड हुआ, देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया। जैसे ही ट्विटर पर हैशटैग बाबा का ढाबा ट्रेंड करने लगा, वैसे ही आज सुबह सुबह लोग इस ढाबे का स्वाद चखने के लिए बाबा के पास पहुंच गए और लोगों की इतनी भीड़ यहां पहुंची है कि अब बाबा के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा है। हमारी संवाददाता रूफी जैदी ने बाबा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। अव्यवस्था, व्यवस्था, स्थिति, हालात आपका चरित्र नहीं बदल सकते, और यही जो तस्वीर है आपको नजर आएगी मालवीय नगर के इस बाबा का ढाबा पर। यहाँ पर आपको ये जो शख्स दिखाई दे रहे हैं, ये 80 साल से ज्यादा उम्र के हैं और रोज इसी तरह से खाना बनाया करते हैं। कल तक हालत ये थी कि बहुत कम पैसे हुआ करते थे घर ले जाने के लिए, लेकिन आज जब से इनका एक वीडियो वायरल हुआ है तब से आप देखिए किस तरह से जो भीड़ है वो लगी हुई है। कोई इनको पैसे देकर जा रहा है, कोई मास्क देकर जा रहा है, कोई सैनिटाइजर देकर जा रहा है, और इसी तरह से आप देखिए जो लंबी कतार है वो यहाँ पर लगी हुई है, उन लोगों की भी जो खाना खाने आए हैं और उन लोगों की भी जो वीडियो बनाना चाहते हैं इनके साथ। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, हालांकि आज ये बहुत व्यस्त हैं। और आप देखिए खाना जो कल तक बच रहा था उसमें चावल खत्म हो चुके हैं, सब्जी का जो पतीला है वो आप देखेंगे, ये दाल है ये भी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। और यहाँ पर इनसे हम बात करने के लिए इस तरफ आने की कोशिश करते हैं। आज खाना खत्म हो गया सारा? हाँ जी हाँ, आज खाना सारा खत्म हो गया। कल तक क्या होता था, खाना बिकता था नहीं बिकता था? कल तक हमारे के तक सारे खाना बच जाते थे, सुबह से शाम तक 3 पाव चावल नहीं निकलता था। आज तो हमने 1 किलो चावल बनाया है। अच्छा। और दाल भी हमने, हमारी 3 पाव बनी है, दाल भी निकल गई है। हाँ। और पनीर वो तो बहुत फेमस हुआ आपका। हाँ, पनीर है ये बन गया है। अच्छा। पनीर आप खा के देख लो। हाँ जी, पनीर बन गया। कितने पैसे कमाते थे आप आज से पहले तक? मैडम लॉकडाउन को पहले तो हम 4-5 हजार रुपये महीने बचा देते थे, और लॉकडाउन के बाद से अपनी हालत खराब हो गई। हाँ जी, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, ये नहीं सोचा कि मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत में कोई कमी नहीं है। तो आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो मेहनत में है वो जुटे हुए अंकल, और लगातार लोगों को खाना खिला रहे हैं। बहुत बहुत बिजी हैं, बहुत व्यस्त हैं, और अच्छा लग रहा है ये देखकर कि इतना जो व्यस्त है वो अंकल हो गए हैं। खाना आज खत्म हो गया है, जो खाना कल तक बच जाया करता था। इस वीडियो के वायरल होते ही क्रिकेट की दुनिया से लेकर बॉलीवुड जगत के लोगों तक सभी लोगों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। IPL में दिल्ली कैपिटल की ओर से खेल रहे भारत के स्टार स्पिनर बॉलर आर अश्विन ने भी ट्वीट किया और कहा कि मैं भी कुछ मदद करना चाहता हूं। आप बताइए मैं कैसे उनकी मदद करूं? बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर भी बाबा की मदद के लिए आगे आई और उन्होंने भी सोशल मीडिया पर बाबा का ये वीडियो शेयर किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने भी वीडियो को शेयर करते हुए लोगों से कहा है कि जो भी यहाँ खाना खाए मुझे एक फोटो जरूर भेजे, मैं आपकी तस्वीर के साथ एक प्यारा सा मैसेज शेयर करूंगी। इन बड़े बड़े सितारों के ट्वीट्स के बाद तो बाबा के ढाबे पर ग्राहकों का तांता लगा हुआ है।
बाबा का ढाबा एक बुजुर्ग की गरीबी से उबारने की मुहिम बन चुका है। किसी के आंसू पोंछने के लिए दिल्ली की जनता कोरोना काल में भी पूरी सावधानी के साथ उनके ढाबे का जायका लेने के लिए पहुंची हुई है। ये साबित करता है कि वाकई सोशल मीडिया में बहुत ताकत है। इतनी ताकत कि एक ही दिन में ये किसी को भी फर्श से अर्श और वापस अर्श से फर्श पर पहुंचा सकता है। ये किसी की भी एक दिन में जिंदगी बदल सकता है। रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हैशटैग बाबा का ढाबा नाम से जो मुहिम सोशल मीडिया पर शुरू हुई थी वो अब रंग लानी उसने शुरू कर दी है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, लौटेंगे फौरन कुछ और खबरों के साथ। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।